नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं रेड नेटवर्क। और इस वक्त हम मौजूद हैं 10 सर्कुलर रोड पे, यानी कि रावड़ी आवास के ठीक सामने। आप देख सकते हैं यहां हिलसा से मौजूदा विधायक शक्ति यादव के खिलाफ स्थानीय लोग, हिलसा के लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। शक्ति यादव को मौजूदा विधानसभा में टिकट नहीं देने की मांग कर रहे हैं। इन लोग का आरोप है कि शक्ति यादव जो हैं वो जेडीयू के लिए काम करते हैं। कई लोगों ने अपने बैनर में लिख रखा है कि शक्ति यादव जेडीयू का दलाल हैं, लिहाजा उन्हें टिकट नहीं दिया जाए। और इसी मांग को लेकर यहाँ हिलसा के स्थानीय लोग जो है प्रोटेस्ट कर रहे हैं, नारे लगा रहे हैं। ये देखिए, ये सब जो हैं, ये सब लोग जो हैं, ये सब आप लोग जरा दिखाइए तख्ती। ये देखिए, शक्ति यादव मुर्दाबाद, शक्ति यादव के नारे लगा रहे हैं। और ये मुकेश यादव कौन है जी, कौन है आप? हैं युवा प्रदेश उपाध्यक्ष राष्ट्रीय जनता दल, मुकेश यादव जी हैं। वो नहीं है यहाँ पे, नहीं, यहाँ पर नहीं है। आप लोग क्या मतलब, क्यों विरोध कर रहे हैं? हम लोग कह रहे हैं कि अच्छा आदमी के चुने, अच्छा आदमी के दीजिए टिकट, कि जो जिससे सब आदमी खुश रहे, उससे कोई खुश नहीं रहता है, दुख सुख में शामिल हो। शक्ति यादव 5 साल तक कैसा काम किए? कुछ नहीं किए, खाली बैठ के ताश हिलसा में खेले। हमें वैसा विधायक और सम्मान विचार का विधायक चाहिए। दलाली के काम करते हैं बस, और कुछ नहीं। और कितना बताएं, विशेष नहीं बता सकते हैं, हाल बताएं। क्यों, इसलिए क्या जरूरत है एक शब्द में? भाई प्रोटेस्ट कर रहे हैं तो मतलब थोड़ा विस्तार से बताइए। विस्तार से बताइए कि ताशे बैठ के खेलते हैं दिन भर, कोई काम नहीं करते। जब जनता जाता है तो बोला हमरा वोट देता है, लालू यादव को वोट देता है, चल दिन भर तेजस्वी यादव के साथ घूमते रहते हैं। सर देखिए, बात यह है ना, हमेशा तेजस्वी यादव के साथ दिखते हैं शक्ति यादव। नहीं, अभी अभी कुछ नहीं, 2 महीने ऐसी भी यादव के हमेशा दिखते हैं, लेकिन वो ऐसा बात बोलते हैं कि युवा को हम देखें या ना देखें, वो हमको टिकट पॉकेट में हमेशा मुआवजे से लड़ेंगे। लेकिन हम लोग को युवा को विकास करने वाला नेता चाहिए, जिस तरह से तेजस्वी युवा है, उसे मुकेश यादव भी युवा है। और युवा हमको नेता चाहिए जो युवा को एक रास्ता पे ले जाए। वो तो न मेरे एरिया का है, न कुछ है शक्ति यादव, कैसे हम उनको, हम मैंने कि वो युवा के बारे में कुछ सोचते नहीं, वहाँ के आम जनता के बारे में कुछ सोचते ही नहीं है। मेरा घर है स्टेशन रोड में, कभी आए हैं पूछिए। ये बताइए शक्ति यादव, यहाँ अक्सर देखे जाते हैं रावड़ी आवास में भी तेजस्वी यादव के साथ, हर मतलब हर प्रोग्राम में देखे जाते हैं, क्या लगता है कि जो पार्टी नेतृत्व है तेजस्वी यादव आपकी बात सुनेंगे? क्यों नहीं, वो कहते हैं हर युवा का टाइम है, वो खुद भी एक युवा है, तो क्यों नहीं युवा का बारे में सुनेंगे? वो खुद भी युवा है, हम भी युवा हैं, तो वो क्यों नहीं सुनेंगे कि युवा का बात क्यों नहीं सुनेंगे? तेजस्वी भैया, जब हम उनके लिए काम कर रहे हैं दिन रात, तो क्यों नहीं सुनेंगे? उन पसेना बहा रहे हैं, तब कम से कम तो हम लोग की भी बात सुनेंगे ना, सुनने का टाइम लेंगे कि नहीं लेंगे? क्यों नहीं, युवा भी जब तेजस्वी भैया बोलते हैं कि इस तरह चलना है तो हम लोग चलते हैं, तो जब उनका आदेश हम लोग मानते हैं, तो हम लोग जनता का भी तो वो मानेंगे, जनता कुछ तो है। और वो तो सीधे माने कि शक्ति विधायक जो हैं, आज तक कभी भी युवा के बारे में कुछ सोचे ही नहीं है, सिर्फ अपना पॉकेट गर्म करने के लिए सोचे हैं। शक्ति यादव कहते हैं हम खुद युवा हैं, वो युवा हैं किस आधार पर? जैसे युवा हैं, उनका भी उम्र 45 वर्ष है, 47 है, ठीक है युवा हैं, लेकिन कितने युवा को उनके साथ देखे होंगे कि हाँ, कितने युवा बोल रहे हैं कि हाँ ये युवा इनके युवा के लिए काम कर रहे हैं? कितने युवा नहीं है, मतलब नहीं आदर्श, युवाओं का आदर्श नहीं है वो, नहीं है। और नहीं काम किया क्षेत्र में, नहीं क्षेत्र में काम नहीं किए हैं, विकास का कोई काम नहीं किया, विकास का कोई काम नहीं किए हैं, कोई काम नहीं किए हैं विकास का। शक्ति यादव को 10 में से कितना नंबर देंगे? शक्ति यादव को 10 में से हम 0 देंगे। हाँ बताइए, क्या आपने लिख के लाया है? तो इस तरह से लोग जो है यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे हैं शक्ति यादव के विरोध में। हम आपको बता दें, कई लोगों का कहना है कि शक्ति यादव ना तो स्थानीय हैं और हिलसा के रहने वाले भी नहीं हैं, लिहाजा पार्टी नेतृत्व उन्हें इस बार टिकट नहीं दे, क्योंकि हिलसा के विधायक रहते हुए हिलसा के विकास के लिए उन्होंने
कोई काम नहीं की, हिलसा की, हमेशा अनदेखी करने का। तो एक तरफ राबड़ी आवाज़ पे जहां शक्ति यादव का विरोध हो रहा है, हिलसा के विधायक, मौजूदा विधायक का विरोध हो रहा है, वहीं शक्ति यादव अभी अभी तुरंत गाड़ी से उतरकर राबड़ी आवास में पहुंचे हैं और यहां विरोध करने वाले लोग जो है वो देखते रह गए हैं। ये बताइए कि जिस तरह से आप लोग विरोध कर रहे हैं काफ़ी टाइम से, अभी जैसा हमने आपसे सवाल भी पूछा था कि शक्ति यादव लगातार तेजस्वी जी के साथ देखते हैं राबड़ी आवास में, वो हाजिरी लगाते हैं हर रोज़, अब वो फिर आ गए हैं, क्या कहेंगे आप? हम तो कहेंगे हम बदलाव के लिए यहाँ पे आए हैं, एक युवा नेता चाहिए, एक वो भी एक राजद का सिपाही हैं, कार्यकर्ता हैं, युवा हैं, उनको मौका दिया जाए। तो ये जो आप लोग विरोध कर रहे हैं सिर्फ टिकट के लिए कर रहे हैं? हाँ, टिकट चेंज के लिए। और काम भी देखिए, सिर्फ टिकट नहीं, काम भी देखिए। वो हमेशा हर इंसान से मिलते जुलते रहते हैं, गरीब हो अमीर हो, हर दुख दर्द में जाते रहते हैं, समझते हैं उनको भावनाओं को। वही तो मैं भी कह रहा हूँ, हाँ। कि वो आप कह रहे हैं कि वो गरीबों से नहीं मिलते, काम नहीं करते, लेकिन वो पार्टी नेतृत्व के बारे में बोल रहा हूँ ना, लेकिन पार्टी नेतृत्व के सामने हाजिरी लगाते रहते हैं। हाँ, वो सिर्फ ऊपर में पार्टी नेतृत्व के सामने हाजिरी लगाते रहते हैं, है ना। पार्टी नेतृत्व लगता है आपकी बातों पर विश्वास करे? अब वो पार्टी नेतृत्व हमारी बातों को विश्वास करे या ना करे, मैं उनका एक सिपाही हूँ, सच्चा सिपाही हूँ। मेरा काम है कि अपना दर्द उनको बताऊँ। और ये देखते हैं कितना समझते हैं हमारे बातों को जो है तेजस्वी भैया भी, कितना समझ पाते हैं। अगर नहीं समझेंगे तो हम लोग भी नहीं समझ पाएंगे। मतलब आप वोट देने का काम नहीं करेंगे? नहीं करेंगे, हम युवा में जो है वोट नहीं देंगे। देखिए, आरजेडी को वोट तो देखिए, हम लालू जी के विचारधारा का आदमी हैं, हमेशा उनकी बात को माने हैं, उन्हीं के पक्ष में रहे हैं, उन्हीं के पक्ष से काम किए हैं। लेकिन अब उनको हम अपना विचारधारा फिर से एक बार उनको बताएंगे, नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, हम आपके लिए लड़ते आए हैं। आप भी मेरे यादव को टिकट मिलता है तो फिर शक्ति यादव को मिलता है टिकट तो भैया का आदेश रहेगा तो सुनना ही पड़ेगा, वो तो मजबूरी है। तो शक्ति यादव को अगर टिकट मिलना है तो वो मजबूरी होगी। ऐसे हिलसा की जनता, हिलसा के लोग परिवर्तन चाहते हैं, बदलाव चाहते हैं। तो यहाँ प्रोटेस्ट कर रहे लोग लगातार शक्ति यादव के खिलाफ नारेबाजी कर रहे हैं और पार्टी नेतृत्व से उन्हें टिकट नहीं देने की मांग कर रहे हैं। वहीं मुकेश यादव की तरफदारी कर रहे हैं और उन्हें हिलसा की टिकट देने की मांग कर रहे हैं। लेकिन कई लोग ऐसे जो भी हैं जो हिलसा पे पैनी नज़र रखते हैं और मजबूत पकड़ रखते हैं, उनका कहना है कि हिलसा का टिकट किसी ऐसे व्यक्ति को मिले जो नालंदा ज़िले में हो और हेडक्वार्टर में हो, ताकि वो पूरे इलाके पे पकड़ रख सके। योगेश चक्रवर्ती, राज नेटवर्क, पटना।